गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो पढ़ाएंगे वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर दिया है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग पूरा पढ़ेंगे और साथ ही साथ आज प्रिज्म स्टार्ट होगा अनदर वीडियो में, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको भी देखते जाएंगे। जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं मेरे पास, सभी को वो देखना अनिवार्य होगा। वो थ्योरी आप देखेंगे तभी ऑब्जेक्टिव और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए उसको कंटिन्यू आपको देखना है। प्रिज्म स्टार्ट होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलते हैं, कल 13 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोग बनाए थे, आज 14 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस ये है, लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव, फॉर हिच कलर ऑफ लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जेस्ट, कौन सी रंगों के लिए, कौन सी रंगों के लिए प्रकाश अपवर्तनांक अधिकतम होती है। तो बताइए कौन सी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। ए नंबर ऑप्शन है रेड, मतलब लाल। बी नंबर ऑप्शन है येलो, मतलब पीला। और सी नंबर ऑप्शन है ब्लू, मतलब नीला। और डी नंबर ऑप्शन है आपका वायलेट, मतलब बैगनी। वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। तो आपको बताना है, बताइए कौन से रंगों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। कौन सा, डी नंबर, वेरी गुड। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्यों होता है ये देखेंगे। ध्यान से देखिए, चूंकि हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बोलो नहीं, यानी अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, अगर वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यह कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। अब देखते हैं वेवलेंथ किसका सबसे कम है, कौन से रंग का वेवलेंथ सबसे कम होगा। जिसका कम होगा वेवलेंथ उसी का ना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो पता करते हैं किसका वेवलेंथ सबसे कम है, नहीं तो रंग जो है व्हाइट लाइट में कौन सा होता है, VIBGYOR, नहीं बताए थे। ध्यान से देखिए, कल बताए थे कि जैसे जैसे इधर जाते हैं तो लेमडा जो है, क्या लेमडा यानी वेवलेंथ इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का, और सबसे कम किसका है, वायलेट कलर का। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, नहीं।
तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? तब वायलेट कलर का। वेवलेंथ अगर कम होगा, वेवलेंथ अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है इस पर, सभी का जवाब दे सकते हैं आप। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? वायलेट कलर। कौन सा होगा? वायलेट कलर। इसको भी लिख लीजिए। अब 15 नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 करे, इफ देयर आर टू लेंसेस, देयर आर टू लेंसेस ऑफ पावर टू डायोप्टर एंड -3.5 डायोप्टर इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, हिंदी में दो डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोजन की क्षमता होगी कितना होगी, ये आपको बताना है। ए नंबर है +1 डायोप्टर, बी नंबर में है -1.5 डायोप्टर, सी नंबर में है 2 डायोप्टर, डी नंबर में है -3.5 डायोप्टर। ऊपर मिटा दूं? ठीक है। तो बताइए कौन सा? बी नंबर। वेरी गुड जवाब। दो लेंस है, दोनों को सटा के रखे हैं, नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताए थे कल। सपोज डेट एक लेंस ये है, और दूसरा लेंस क्या है? ये है। दोनों सटा के रखा हुआ है, नहीं इसकी फोकस F1 और इसकी फोकस F2, कोई दिक्कत? तो इस दोनों के बदले का फोकस, मतलब इक्विवेलेंट फोकस कैसे निकलता था? बोलिए जोर से बोलो, 1/F1 + 1/F2, ये फॉर्मूला जानते हैं। 1/F को क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा, मतलब इस दोनों लेंस के बदले का पावर इज इक्वल टू 1/F1 मतलब P1 प्लस 1/F2 मतलब P2। तो इस तरह से इक्विवेलेंट पावर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, नहीं हम लोग को पता है। इसीलिए यह फॉर्मूला जब जानते हैं हम लोग तो P1 कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। कितना है? 2 प्लस माइनस, ये कितना है -3.5। तो पावर इज इक्वल टू प्लस माइनस -3.5 मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1.5 डायोप्टर। तो कितना आंसर आ गया आपका? 1.5 डायोप्टर। नीचे मिटाऊं?
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द रे ऑफ लाइट डज नॉट डेविएट व्हेन इट प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है जब यह क्या होगा। पहला नंबर ए नंबर रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर नॉर्मली। समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होता है। बी नंबर रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर ओब्लिक्यूली समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होता है। सी नंबर पासेस थ्रू द प्रिज्म प्रिज्म से पास होने पर। और डी नंबर ऑप्शन है पासेस थ्रू ए ग्लास स्लेब बाय रिफ्रैक्शन by refracting at parallel interface of slab आयताकार ग्लास के पट्टिका के समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। तो जवाब देना है कह रहा है कि The ray of light does not deviate when it यानी प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती है जब ये विचलित मतलब क्या होता है ध्यान देना फिर लिखना
विचलित का मतलब क्या होता है, आप जा रहे थे इधर और जाते चले गए इधर, क्या आप में कहीं डेविएशन हुआ है, विचलन हुआ है? नहीं। अगर आप जा रहे थे इधर और बस कुछ देर के बाद जाने लगे इधर, तो इसका मतलब आप क्या किए हैं, डेविएट किए हैं। जाना चाहिए था इधर लेकिन चले गए किधर, इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी को कहते हैं विचलन। जा रहे थे इधर और चले गए किसी दूसरे इधर, तो इसका मतलब आप डेविएट किए। क्या किए आप? डेविएट किए, आप में विचलन आया। पढ़ना चाहिए था संतोष बिहारी से, पढ़ लिए किसी और से, तो यानी आप में क्या हुआ, डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विचलन उसी को कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट डज नॉट डेविएट व्हेन इट, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होता है जब यह, ए नंबर ऑप्शन है कि रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, नॉर्मली समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होता है, तो कहता है डिफेक्ट नहीं करता है, करके हम लोग चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला नंबर ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं। ए नंबर ऑप्शंस कह रहा है कि देखिए ये प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है, है? इस प्लेन मिरर पर अगर कोई रे सीधा एकदम नॉर्मली आया, कैसे आया, नॉर्मली आ तो गया, कोई दिक्कत, आया नॉर्मली, समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होता है, नहीं? तो यह रे अगर सीधे आया दर्पण पर टकराया, अगर यह दर्पण या मिरर नहीं रहता तो यह सीधे आते जाता, आता कि नहीं आता, बोलो, क्या यह रे सीधे आएगा? आंसर क्या है? नहीं। मिरर मिल गया ना, उसको रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। अब बताइए इस जगह पर रे आया, अब किधर जाएगा? ये क्या चाहिए, नॉर्मल, क्या चाहिए, नॉर्मल, यानी इस जगह पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, नॉर्मल। नॉर्मल से आने वाली किरण कितना एंगल बना रहा है, जीरो, तो जाएगा भी कितना डिग्री एंगल बना के, जीरो, यानी जिधर से आया था उधर से ही चला जाएगा, चला गया कि नहीं, बोलो, जिधर से आया था उधर ही लौट गया। जाना चाहिए था इधर, इसका मतलब यह विचलित हो गया इतना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना डिग्री से विचलित हो गया, 180 डिग्री से, चांद बन रहा है, यानी इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इतने डिग्री से यह क्या हो गया, विचलित हो गया, नहीं? लेकिन हमको क्या पता करना है, प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होता है, ए नंबर में तो विचलित हो गया, ए नंबर में तो विचलित हो गया। अब चेक करते हैं बी नंबर, रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए मिरर, प्लेन मिरर, ओब्लिक्यूली, ओब्लिक्यूली मतलब होता है तिरछा। जैसे देखिए ये प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत, रे आया, अगर यह मिरर नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन अब यह किधर जाएगा, क्या चाहिए, यहां पे नॉर्मल, जोर से बोलो ताकि यहां भी आवाज आ जाए, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। यहां नॉर्मल हम लोग खींचे, अब यह नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, क्या कहते हैं, हिंदी में आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यानी कोई रे आया, किधर जाएगा, पहले नॉर्मल चाहिए, अब नॉर्मल जितने एंगल बनाएगा उतने ही एंगल बनाकर किरण चली जाएगी, नहीं? यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यह भी कहता है कि आई जो है हमेशा आर के बराबर होता है, नहीं? यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, नहीं? तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, बच्चों
कि यह जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला गया किधर? इधर। इसका मतलब ये भी विचलित किया है, बोलो विचलित हुआ ना, कितना से? इतना से विचलित हुआ, इसको हम लोग डेल्टा कहेंगे। कोई दिक्कत? यहां पर तो दिखाई दे दिया 180 डिग्री, यहां पर दिखाई नहीं दिया है। फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं, इसका फॉर्मूले बना देते हैं। तो यहां से अब तुम देखो कि यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री है, ये पूरा कितना डिग्री है, कितना डिग्री है आपको ये डेल्टा निकालना है? इतना दूर पूरा कितना है यहां से यहां तक? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। अगर इस 180 में इतना घटा दूं, इतना घटा दूं, तो यही बचेगा ना, इतना सा, मतलब ये बचेगा। इतना क्या है? I प्लस R। क्या है? यानी घटा दो किसको? I प्लस R को। कोई दिक्कत? I और R क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। इस तरह से डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई, आर को भी हम लोग आई लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब? 180 आई आई 2 आई। ये भी फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? या और भी फॉर्मूला कर सकते हैं, 180 माइनस 2 आई को तो आर भी कर सकते हैं, इसीलिए ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी दोनों फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 180 माइनस 2 आई और 180 माइनस 2 आर। इसको विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। नहीं तो यहां पर भी निकालते तो क्या होता सर इस फॉर्मूले से? हाँ, कोनो लगा फॉर्मूला क्या जानते हैं? 180 यानी 180 डिग्री माइनस 2i, यही ना जानते हैं? तो बताइए 180 माइनस 2i कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री। कितना बना रहा है? अरे नॉर्मल से ना जो एंगल बनाया इंसिडेंटले उसी ना आई कहते हैं। कितना डिग्री एंगल बनाया? 0। जीरो किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0। तो डेल्टा क्या निकला? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कितना विचलन होगा रिफ्लेक्शंस में, उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। एक बार बोलना जोर से, क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2r। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जब प्लेन मिरर से नॉर्मली रिफ्लेक्ट करता है तब फिर भी विचलन होता है, जब तिरछा रिफ्लेक्ट करता है तब फिर भी विचलन होता है। अभी भी हमें जवाब नहीं मिला है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है। अब हम लोग सी पर आएंगे, जो कि प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। और यह प्रिज्म आज अपलोड होगा, नहीं कंटिन्यू चलते रहेगा। तो नहीं पढ़ाए तब फिर भी समझा देते हैं। सी नंबर, जैसे देखिए एक प्रिज्म है, शीशा का बना होता है। किसका बना होता है? डिटेल करेंगे आज। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप का भी प्रिज्म होता है। एक प्रिज्म लिए ये, अब देखो ये कांच का होता है। किसका होता है? इसका मतलब इधर हवा है, इधर भी हवा है, और ये कांच है, यानी ये रेयर मीडियम और ये भी रेयर विरल मीडियम माध्यम, और ये क्या हो गया? डेंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई रे अगर तुम यहां भेजो, भेज दिया, इसको किधर जाना चाहिए बोलो? ओरिजिनल में सीधे चले जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब यह किधर जाएगा उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा। दो माध्यम की बात आ रहा है, यहां पर परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा? अपवर्तन। नहीं तो नॉर्मल खींचो इस सरफेस पर, तो नॉर्मल खींच दिए, कोई दिक्कत?
जाना चाहिए किधर, सीधे। अब रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में, रेयर से डेंसर में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो बताइए प्रकाश के किरण नॉर्मल की ओर झुकेगा या उससे दूर जाएगा। सर याद नहीं है तो आपको बताए थे रेयर मीडियम मतलब पक्की सड़क समझना है, क्या समझना है, पक्की सड़क। और डेंसर मीडियम का मतलब समझना है बालू वाला सड़क, बालू वाला सड़क डेंसर है, घना है नहीं। अब गाड़ी चलाओ, सपोज डेट किरण नहीं समझ के इसको गाड़ी समझ लो, क्या समझ लो, गाड़ी। और यह पतला है इसको मोटा समझ लिए, इतना बड़ा गाड़ी है, कोई दिक्कत। अब जैसे यह गाड़ी चला चला चला, पक्की सड़क पर है, बड़ा तेजी से चलेगा, यहाँ बालू में जैसे आएगा जाम करेगा, लेकिन इसका स्पीड तो ज़्यादा रहेगा, ये चक्का का स्पीड ज़्यादा है, इसका कम, मतलब मुड़ जाएगा, बोलो। इसका मतलब ये सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल जो है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से यहाँ तक तो बालू ही है, सीधे चला गया, कोई दिक्कत। अब इस जगह पर फिर से नॉर्मल खींचे, इस जगह पे फिर से नॉर्मल खींचे। अब देखिए इसको जाना चाहिए था किधर, सीधे नहीं। अब तुम गाड़ी चलाइए, बालू वाला जमीन है, स्पीड कम होगा अभी दोनों चक्का में, अचानक ये पक्की सड़क पर चढ़ेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, बोलो बोलो, बढ़ जाएगा, इसका मतलब मुड़ेगा, यानी ये इधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, बोलो, ऐसा होगा। तो ऐसे भी जानते हैं डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में, कहां जा रहा है, रेयर में। डेंसर से जब रेयर में जाता है, डेंसर से जब रेयर, जैसे यहां रेयर से गया डेंसर में तो नॉर्मल की ओर झुक गया है, अब डेंसर से गया रेयर में तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल इसका ये है, जाना चाहिए इधर लेकिन दूर भाग गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर भी आप देखिए इस किरण को ओरिजिनल में जाना किधर चाहिए, इधर नहीं, बोलो जल्दी से, लेकिन चला गया किधर, फाइनली इधर, यानी यह विचलित हो गया अपने रास्ते से, नहीं पीछे बढ़ाए तो कितना विचलन हुआ, इतना, बोलो विचलित हुआ कि नहीं, बोलो। यानी प्लेन मिरर से नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर भी विचलन हो जाएगा, प्लेन मिरर से तिरछा रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर भी विचलन हो जाएगा, प्रिज्म से होकर जब गुजरेगा तो भी विचलन हो जाएगा, डेविएशंस आ जाएगा। इसका मतलब ना तो ए ना तो बी ना तो सी, ये कुछ भी नहीं है, आंसर तो डी होगा ही, लेकिन ये देखेंगे डी भी होगा तो कैसे होगा, कोई दिक्कत, लिखो। छूट भी जाए तो ये अपलोड होगा अभी, कुछ दिन के बाद से नहीं करेंगे लेकिन अभी करेंगे। चलिए अब डी नंबर कर रहा है, पासेस थ्रू ए ग्लास स्लेब बाय रिफ्रेक्टिंग एट पैरेलल इंटरफेस ऑफ स्लेब, आयताकार ग्लास के पट्टिका के समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर। तो देखते हैं हम लोग डी नंबर का एक्सप्लेनेशन। जैसे ये डी नंबर पर आते हैं, एक आयताकार स्लेब है, किसका, ग्लास का, किसका, ग्लास का, कांच का, जैसे टेबल पर हम लोग लगते हैं ना शीशा, वही स्लेब है,
या टेबल शीशा का ही है, ठीक है, पैरेलल है, इससे जब अपवर्तन होगा तब विचलन नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होगा, ये शीशा है, शीशा कौन सा मीडियम, डेंसर, हवा है कौन सा मीडियम, रेयर, नीचे भी हवा है, ये भी क्या हो जाएगा, रेयर। अब देखिए कोई प्रकाश की किरण आया, आ गया, अगर ये शीशा उसा नहीं रहता तो ये बोलो सीधे चला जाता, जाता कि नहीं, लेकिन यहाँ शीशा मिल गया यानी रिफ्रैक्शन होगा, ये रेयर और ये डेंसर, तो क्या चाहिए, सबसे पहले नॉर्मल चाहिए, सबसे पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल खींच लिए, कोई दिक्कत। अब बताइए रेयर से जा रहा है डेंसर में, क्या होगा, पक्की सड़क से जा रहा है बालू में, जाम पकड़ा, मुड़ेगा है, इसलिए नॉर्मल से की ओर झुक गया। अब ये किधर जाएगा, फिर से खींचे नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, जाना किधर चाहिए था इसको, सीधे जाना किधर चाहिए इसको, सीधे, क्या ये सीधे जाएगा, तुम चलाओ नॉर्मल से दूर भागेगा, इसका मतलब इधर नहीं जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं इधर नहीं जाके किधर चला जाएगा, कोई दिक्कत, तो बताइए यह जा किधर रहा था, सीधे, अभी भी किधर जा रहा है, सीधे, विचलन हुआ नहीं ना, हुआ विचलन, इस चीज को पढ़ाए थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ाए थे आपको टॉपिक्स में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, भले ये शिफ्ट कर गया थोड़ा नीचे लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कोई विचलन नहीं हुआ, कोई दिक्कत। इस थ्योरी का बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, ध्यान से देखिए, आप हो हवा में, आप कहाँ हैं, एक गाड़ी है, समझो एक गाड़ी है, महंगा गाड़ी है, उसमें मंत्री वगैरह बैठा हुआ है, महंगा बढ़िया आदमी, बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड भी बगल में रहता है, तो गाड़ी में शीशा लगा रहेगा कि नहीं, तो ये शीशा समझ लो, देखने वाला हवा में है, बैठने वाले भी गाड़ी के अंदर मतलब हवा में है, बीच में कौन सा मीडियम आ गया, शीशा वाला, कौन सा, शीशा वाला, कोई दिक्कत। वैसा सिचुएशन है, अगर ये मंत्री या कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी मान के चलो इस जगह पर है, कोई दिक्कत, तो इस जगह पर है तो इस आदमी से लाइट आएगा मेरे आंख तक, कैसे जाएगा, इधर से इधर गया, अब रेयर से गया डेंसर में, झुक गया, इसी रास्ते को पाथ अनुसरण करते आएगा, यानी उसको आदमी आंख लगाकर जब देखेगा तो ये रे तो ऐसे आता हुआ दिखाई देगा उसको, बोलो देखेगा ना, हैं, तो ये क्या सोच लेगा, पीछे जब बढ़ाएगा इसका मतलब ये सोचेगा कि ये आदमी यहाँ नहीं होके यहाँ पर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शीशा के अंदर, शीशा के अंदर कोई भी वस्तु रखा हुआ है और आप शीशा के बाहर से देख रहे हैं, तो जहां दिख रहा है वहां होता नहीं है, जहां आपको दिख रहा है वहां होता, उसका इमेज दिखता है, रिफ्रैक्टेड इमेज नहीं, और आपने बंदूक लिया, आपने आपको दिखाई यहां दिया था, आपने बंदूक लिया और उस पर फायर कर दिया, तो बोलो ये मंत्री मराएगा, मंत्री दिख रहा तो आपको यहां है लेकिन बगल में कौन बैठा होगा, अरे जहां मंत्री बैठा है एक्चुअल में वो दिख नहीं रहा है, बेचारा बॉडीगार्ड होगा यहाँ, लेकिन बॉडीगार्ड आपको यहाँ दिखता होगा, नहीं समझे, आप मंत्री समझकर गोली मारोगे लग जाएगा किसको, बॉडीगार्ड को, समझ मारा है कि नहीं। तो इसीलिए शीशा के अंदर कोई बॉडी अगर रखा हुआ है तो यह मत समझना कि वह बॉडी वहीं पर होगा, नहीं,
लेटरली शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा, नहीं इसका फॉर्मूला वगैरह भी होता है जो कि पढ़ाए हम डिटेल में, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए कांच के अंदर विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, जिस डायरेक्शंस में रे को भेजे हैं उसी डायरेक्शंस में जाएगा, लेकिन थोड़ा लेटरली शिफ्ट कर जाता है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, न समझे। इसलिए शीशे के अंदर रखा हुआ वस्तु आपको दिखता ओरिजिनल में नहीं है, उसका रिफ्रैक्टेड इमेज दिखता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इसको नोट करिए, तो तुम सो सिंपल क्वेश्चंस कर रहा था, मैंने डिटेल्स में इसको बताया कि आगे भी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस डील हो जाएगा, नहीं तो लिख लो आंसर कौन सा होगा बताओ, डी नंबर कौन सा होगा, डी लिखिए तो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चंस एकदम ये बिहार बोर्ड में पूछा है और इससे आसान कुछ भी होता भी नहीं। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, ऑफ ए लेंस, जिसका छूट जाएगा तो YouTube पर अपलोड होगा, वहाँ भी देख सकते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस के शक्ति का मात्रक है, लेंस के शक्ति का मात्रक है। ये पूछा है बिहार बोर्ड, पहला कह रहा है लेमडा, बी नंबर में कह रहा है कैंडिला, और सी नंबर में कह रहा है डायप्टर, और डी नंबर में कह रहा है वाट। इसका आंसर बता दोगे कौन सा होगा, डायोप्टर कौन सा, सिंपल बात है सी नंबर, बहुत अच्छा पूछा है ये, आसान ऐसा पूछ देता है। 18 नंबर, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter will be, 10 centimeter focus दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितना होगा क्षमता, ए नंबर माइनस 10 डायोप्टर, बी नंबर प्लस 10 डायोप्टर, सी नंबर 5 डायोप्टर यानी माइनस 5 डायोप्टर, डी नंबर माइनस प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है मिटाऊं, छूटने का टेंशन नहीं लीजिए, YouTube पर लोड रहेगा अभी, मिटाऊं इसको। कौन सा होगा, डी गलत है, हैं सी नंबर भी गलत है,
तुमको फोकस दूरी दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है, पावर, पावर बराबर फॉर्मूला लगाओ 1/f। चलिए देखिए, आपको देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, डाइप्टर, किसमें है, एसआई मात्रक में है, किसमें है, एसआई यूनिट में है, नहीं। और तुम्हें गिवन दिया हुआ है फोकस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये सीजीएस सिस्टम में है ना, इसको मीटर में बनाना पड़ेगा, एसआई में। बताइए सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बनाते हैं, 10 × 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में बन जाएगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर 100 से भाग देते हैं तो मीटर बन जाता है। अरे बाबू 100 को ही तो 10⁻²² कहते हैं, यही 2 ऊपर चला गया तो -2 हो गया, यानी ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी बदलना चाहते हैं तो 10 था 10 लिख देंगे, सेंटीमीटर को हटा के मीटर किए तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। ये फोकस हो गया। अब पावर इज इक्वल टू व्हाट कहता है, तो पावर का फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ, और पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ कितना है, 10 × 10⁻²। तो पावर इज इक्वल टू 1/, ना कुछ तो 1 है, 2 में 1 घटेगा, 10⁻²-1, और पावर इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा तो 10 डायोप्टर, क्या हो जाएगा, डायोप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इधर लिख लिए हैं सॉल्यूशन, इसका लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ लेंस विथ 4 materials shown in the figure is, कर चित्र में 4 अपवर्तनांक वाले माध्यमों से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कोई दिक्कत। देखो बाबू एक लेंस है, ये एकदम बना दोगे, क्योंकि कल भी बताया ऐसा क्वेश्चन, एक लेंस है, कर इसका अपवर्तनांक कुछ और है, मानो μ1, 4 तरह का बना है, और ये μ2, और ये μ3, और ये μ4, तब कितना इमेज बनाएगा ये, पहला नंबर 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4, कितना इमेज बनाएगा, 4। बताए ही थे कल, कल ये बताए थे नहीं, कि अगर कोई यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां आया, इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यहां मोड़ दिया, बना दिया I1 इमेज, क्या सब अलग अलग तरह से सबका, देखिए लिख लीजिएगा, लेंस 4 मटेरियल से बना है, एक ही लेंस है, कितने मटेरियल से बना है, 4 मटेरियल से, पहला का अपवर्तनांक μ1 μ2 μ3 μ4, 4 तरह का अपवर्तनांक भी हो जाएगा, तब तो
अपवर्तनांक से पता चलता है कि डेंसर कितना है, नहीं? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा मतलब वह ज्यादा डेंसर होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा मतलब वह कम डेंसर होगा। तो ऑब्वियसली है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम में जाएगा उतने न रे मोड़ेगा। बोलो, अगर सपोज डैट इसने मोड़ दिया यहाँ, ये सबसे ज्यादा मान के चलो डेंसर है, ये ज्यादा मोड़ के यहाँ पहुंचा दिया, अब जो रे यहां से जाएगा ये उतना डेंसर नहीं है तो ये उतना नहीं मोड़ पाएगा, यहां पर पहुंचा दिया तो यहां बन जाएगा आई टू। अब इससे जा रहा है ये उतना डेंसर नहीं है तो ये और दूर मोड़ा, यहां बना दिया आई थ्री। अब इससे जो गया ये और कम डेंसर है, नहीं? इसका मान और कम है तो ये और कम मोड़ पाएगा, पहुंचा देगा यहां पे, इसका मतलब यहां बना दिया इमेज, यानी म्यू वन अलग तरह से मोड़ा, म्यू टू अलग तरह से मोड़ा, म्यू थ्री अलग तरह से मोड़ा, म्यू फोर अलग तरह से मोड़ा, इसका मतलब चार चार इमेज बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना इमेज बन गया? चार चार। लिखिए, YouTube पर अपलोड होगा, अगर छूट जाए ना जो चीज, वो सबको लिख सकते हैं आप, ठीक है? समय देंगे, कुछ दिन के बाद भले ये कर देंगे कि जो अपना बच्चा है वही देख सकता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो लॉकडाउन है, थोड़ा मेहरबान है। सेम क्वेश्चंस एक और भी है, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चंस में सारा चीज यही रहेगा, सारा चीज यही रहेगा। इसको मिटाऊं? लिख लीजिएगा यूट्यूब से, ठीक है? अपलोड हो जाएगा एक घंटा के बाद। तो 19 हो गया, अब 20 नंबर क्वेश्चंस इसी को हम बना रहे हैं, ये 20 नंबर क्वेश्चंस हो गया, ठीक है? 20 नंबर हो गया, और इस तरह का दिया है, यह वाला जो है तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछा है, ये वाला तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछा है, ऐसा लेंस है, ठीक है? ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है और ये म्यू फोर है। अब बताइए कि यह सब चीज यही है, चार तरह का अपवर्तनांक है, अब कितना इमेज बनाएगा? कितना? दो। कितना बनाएगा? सर वहां तो चार बनाया था, यहां दो ही बनाया, देखो दो ही बनाएगा, कोई दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखो, रखे, अब जो रे यहां आया उसको इसमें जाने पड़ेगा, आया ये मोड़ा, ये ज्यादा घना है मानो, थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया, ये कम घना है थोड़ा कम मोड़ा, तो ये आके यहां पर मिलाया, कोई दिक्कत? इस रे को जिस जिस मीडियम से होकर गुजरना पड़ा, इससे और इससे, दोनों से गुजरना पड़ा। अब ये है, ये मानो कुछ और मोड़ा, इसमें जब घुसा तो इसने कुछ और मोड़ दिया, ठीक है? तो यह मोड़ के यहां पहुंचा देगा, क्योंकि ये और ये एक जैसा तो नहीं है, तो इस तरह से एक इमेज यहां बना, दूसरा इमेज यहां बना, तो यहां पर दो ही रास्ता रे का है, नहीं? एक ये वाला और दूसरा ये वाला, उस केस में चार चार रास्ता हो सकता था, म्यू वन से भी जा सकता था, स्पेशली म्यू टू से भी जा सकता था, म्यू थ्री से भी जा सकता था, म्यू फोर से भी जा सकता था, इसीलिए चार तरीका का इमेज बनाया। यहां पर रास्ता कितना है रे को जाने के लिए? मात्र दो, एक तो इससे होकर जा सकता है और दूसरा इससे और इससे होकर जा सकता है, नहीं? इसका मतलब जितना रास्ता होगा जाने के लिए उतना इमेज बनेगा, कोई दिक्कत? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर केवल इमेज डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका रास्ता कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस यहां पर रे ऑफ लाइट का दो दो रास्ता है, इसलिए दो तरह का इमेज बना। एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, सपोज डैट ये है, ठीक है?
और ये म्यू वन है, ये म्यू वन है पूरे, और पूरा क्या है म्यू टू है। क्या कोई इमेज बनेगा? एक बनेगा। कितना बनेगा? कितना रास्ता हो सकता है? यहाँ से रे जाएगा तो इस म्यू वन में घुसेगा और म्यू टू में, दूसरा भी रे भेजेंगे तो म्यू वन में घुसेगा और तीसरा भी भेजे तो म्यू वन घुसेगा और म्यू टू। इसका मतलब एक ही रास्ता है यहाँ पे। कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, दो है, लेकिन रास्ता कितना? एक। यहाँ पर रास्ता कितना था? दो, इसलिए दो इमेज। यहाँ पर रास्ता एक, तो एक इमेज। और पीछे वाला क्वेश्चन में चार रास्ता था तो चार इमेज नहीं। तो इस पर क्वेश्चन ये वाला पूछा है 2020 में, नोट कीजिए इसको। 20 नंबर क्वेश्चन से लिखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ए बाय कॉन्वेक्स लेंस जिसका म्यू दिया हुआ है 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इच ऑफ 20 सेंटीमीटर द पावर ऑफ द लेंस इज एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता तिरजिया 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता है, कितना क्षमता होगा लेंस का? ए नंबर 5 डायप्टर, बी नंबर 10 डायप्टर, सी नंबर 2.5 डायप्टर और डी नंबर 20 डायप्टर। देखिए बाय कॉन्वेक्स लेंस, देखिए लेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है, लेकिन हमने टोटल जब कैटेगराइजेशन करने लगे तो 14 प्रकार का लेंस पढ़ा दिया था नहीं। उसमें से एक प्रकार का लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं नहीं। जैसे देखिए एक ये लेंस है और ये एक लेंस है, कोई दिक्कत? तो ये कोई गोले का पार्ट है और ये लेंस है, ये कोई गोले का पार्ट है। तो यह थोड़ा सीधा है, ये थोड़ा सीधा है, इसका मतलब इसका रेडियस ज़्यादा है और ये थोड़ा टेढ़ा है, इसका रेडियस क्या है? कम। तो एक का रेडियस R1 और दूसरे का अगर R2 होता है तब ऐसे लेंस का नाम होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर R1 R2 बराबर नहीं रहेगा तो बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अगर R1 और R2 बराबर हो गया तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये जो इसका कहीं का पार्ट होगा, ये R1 और R2 अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाय कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में उभयो उत्तल लेंस, उभयो उत्तल लेंस। ठीक है,
अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उसको क्या कहते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए फंसाने के लिए क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड पूछा है, कह रहा है कि एक उभयोत्तल मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब R1 और R2 बराबर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी R1 भी 20 है और R2 भी 20 है, तो बराबर हो गया ना। इसका मतलब लिखा भले है उभयोत्तल लेकिन है ये क्या, सम उत्तल लेंस है। क्या है ये, सम उत्तल लेंस है। सम उत्तल लेंस में एक एक रेडियस दिया रहता है क्योंकि दोनों बराबर होता है, इसीलिए एक ही। अगर उभयो उत्तल लेंस रहेगा तो दो रेडियस होना चाहिए, नहीं उभयो उत्तल लेंस में अगर दोनों रेडियस बराबर हो गया तो ओवरऑल वो क्या बन गया, सम उत्तल लेंस। क्या बन जाएगा वो, सम उत्तल लेंस। तो इस तरह से ये तुमको बेसिक समझा दिए। अब हम लोग आते हैं इसको बनाने के लिए कि एक लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बराबर है, यानी कह रहा है कि R1 बराबर क्या है, R2, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस का क्या क्षमता होगा, पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पावर। अच्छा बाबू पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, वन बाय एफ, क्या चाहिए, यानी इसकी फोकस पता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फोकस, यानी इसका फोकस मान के चलो कि एफ है, कितना है एफ है। फोकस जब मिरर का निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आर बाय टू, नहीं मिरर का, दर्पण का जब फोकस निकालते हैं कौन सा फॉर्मूला, और लेंस का जब निकालते हैं तो वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय R1 माइनस वन बाय R2, यही फॉर्मूला लगाते हैं जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कभी भी मिरर का फोकस निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, और लेंस का जब फॉर्मूला निकालते हैं, लेंस का फोकस निकालते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, और इस फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, नहीं बताए थे। तो आपको फोकस पहले निकालना पड़ेगा, नहीं फोकस पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। मान के चलिए इसकी फोकस क्या है एफ, तो पावर निकालना है क्या, वाट, नहीं बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ओके, लेंस किससे बना होता है, शीशा से, किससे बना होता है, शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कितना होता है 3/2, कल भी पढ़ाए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोले थे 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना 2.42 बोले थे। ये चार को याद रखना, बाकी जो रहेगा उसका मान दिया रहता है, यह दिया भी रह सकता है नहीं भी दिया रह सकता है। एयर का 1, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 और डायमंड का 2.42, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो 1/f को क्या कहते हैं, पावर, क्या कहते हैं, पावर निकाल लेंगे, यानी पावर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। आगे बढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 3/2, जानते हैं हम लोग, तो अपने स्पुट करो 3/2 माइनस वन इंटू वन बाय आर वन कितना 20, कोई दिक्कत, R1 कितना, अब ध्यान देना बच्चा, ये पहला फेस है और ये दूसरा है, इसका R किधर होगा, इधर होगा ना R1,
और इसका आर किधर होगा, इधर होगा आर टू, कोई दिक्कत? अगर लाइट आ रहा है इधर से, लाइट आ रहा है इधर से, तो लाइट के डायरेक्ट सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, हैं? लाइट आ रहा है इधर से, लाइट इधर से आ रहा है, इधर वाला रेडियस क्या होगा प्लस, लाइट के दिशा में ली गई दूरी पॉजिटिव होता है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरी निगेटिव होता है। तो लाइट जा रहा है इधर और हम डिस्टेंस भी लेंगे इधर, तो इसका मतलब आर वन पॉजिटिव होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और आर टू इधर आना पड़ेगा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आर टू क्या होता है निगेटिव। आपको बताए हैं मिरर या लेंस में साइन कन्वेंशन हमेशा यूज होता है, होता है कि नहीं? जब कभी भी फार्मूला में मान पुट करने लगते हैं तो साइन कन्वेंशन का यूज करना होता है कि कौन प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, नहीं? तो साइन कन्वेंशन सभी दूरी को ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाता है। लाइट के अलोंग, ध्यान देना, लाइट के अलोंग ली गई दूरी पॉजिटिव होता है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ली गई दूरी नेगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव, ये बात हम लोग जानते हैं। माइनस वन बाय आर टू, आर टू देखिए आर वन पॉजिटिव तो आर टू नेगेटिव, तो यानी माइनस 20 देना होगा, साइन कन्वेंशन यूज किए। इसलिए P इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 2, 3 माइनस 1 टू 1 बाय 20 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 20, इसलिए पावर इज इक्वल टू घटा दो यानी 1 बाय 2 इंटू 20 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1। P इज इक्वल टू 1 बाय 2 अभी फोकस निकालो बाबू, क्या निकालना है अभी फोकस, बाद में पावर निकालें, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये पावर तो मीटर में बना के निकालना पड़ेगा ना। 1 बाय एफ, 1 बाय एफ, 1 बाय एफ इतना, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय 20, 2 टू कैंसिल, 2 टू कैंसिल, टू टू हो गया, ओ ये लिख लिए थे ना, yes, चलिए ठीक, टू टू कैंसिल हो गया। अब एफ को उल्टा दो, ऊपर ले गए तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी फोकस कितना निकला 20 सेंटीमीटर, कितना निकला 20 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना है तो इसको पहले मीटर में बदल लो, 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 मीटर, इसलिए पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ, तो पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ कितना है 20 इंटू 10 पर पावर माइनस 2, तो पावर इज इक्वल टू 1 बाय 20, ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन गया, इसलिए पावर इज इक्वल टू 100 बाय 2, कट के कितना हो जाएगा 5, यानी पावर कितना हो जाएगा प्लस 5 डाइप्टर, कौन सा हो जाएगा प्लस 5 डाइप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, लिखिए, लिखिएगा नहीं तो लिख लीजिएगा यूट्यूब से। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ने एक छोटा सा और क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा है, ये पूछा भी है, एकदम कभी कभी आसान भी क्वेश्चन पूछता है जी, 30% क्वेश्चन टफ पूछता है, नहीं कितना परसेंट, बाकी एकदम हलवा क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो क्वेश्चन था तो बड़ा क्वेश्चन था, बाकी देखोगे और मारोगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि द रेडियस, पूछता है बार बार इसको, ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण का वक्रता
त्रिज्या होती है, होती है कितना होती है, ए नंबर का रहा है 0, बी नंबर का रहा है 5, सी नंबर का रहा है इन्फिनिटी, डी नंबर का रहा है नन। बोलो इन्फिनिटी बताए हैं। देखो 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 मिरर तो समझ रहे हैं, ये है समतल दर्पण नहीं, अच्छी बात। देखो एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे है कोई दिक्कत? अब तुम देखो इसका रेडियस कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, बढ़ते जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से लिए बोलिए, ये ज्यादा टेढ़ा है, ये ज्यादा, रेडियस कम, ये उससे कम टेढ़ा है, रेडियस बढ़ा, और कम टेढ़ा, रेडियस और बढ़ गया, और कम टेढ़ा, और कम टेढ़ा, ये लगभग सीधा हो गया। अभी हुआ नहीं है पूरा सीधा, जब होगा बहुत बड़ा गोला बन जाएगा नहीं, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा तब, अनंत होगा कि नहीं, बोलो रेडियस क्या हो जाएगा, अनंत, रेडियस क्या हो जाएगा, अनंत, यानी समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत। ध्यान देना, तो फोकस पूछेंगे तब क्या होगा, फोकस बराबर r बाई टू, ये जब हो गया अनंत, अनंत में भाग भी देंगे किसी से तो अनंत न होगा, यानी समतल दर्पण का रेडियस अनंत होता है तो फोकस भी अनंत ही होता है, समझ मारे कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये तुरंत बन जाएगा, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, बनाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज इज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, करे चित्र में, चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है, रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, ऑप्शन नंबर ए है। पहला क्वेश्चन मिटा दें, 29, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग बना दोगे, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, समझना है इसको बढ़िया से। देखो
क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, एक मिरर है, ये क्या है इस तरह से, और एक लेंस दिया हुआ है, एक मिरर है और ये लेंस, कोई दिक्कत? ठीक है, और एक यहां पर ऑब्जेक्ट है, रे यहां भेजा है, इस तरह से है, ये लेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना है? तो देखना, करे चित्र में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन जाता है, सपोज डैट यहां पर वस्तु है, क्या है ध्यान देना बाबू, वस्तु है, यहां से रे निकला, लेंस में आया, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन लेंस मोड़ा है, मोड़ दिया पैरेलली, अब यहां पर टकराया, मिरर क्या करता है, लौटा देगा, नॉर्मल चाहिए, यहां नॉर्मल से आने वाला जीरो बना रहा था, जाने वाला भी जीरो, अब पैरेलल लेंस में आएगा, तो पैरेलल कहां पर मिलता है, फोकस पर, कहां पर मिलता है, इसका मतलब हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कोई लेंस है, कोई लेंस है, एक लेंस में दो फोकस होता है, लेंस में ये प्राइमरी फोकस, इसको क्या कहते हम लोग, प्राइमरी फोकस, और एक ये होता है सेकेंडरी फोकस, ये प्राइमरी फोकस और ये सेकेंडरी फोकस, ध्यान से देखो हम लोग जानते हैं प्राइमरी फोकस पर कोई बॉडी को रखे, लाइट गया रिफ्रैक्शंस के बाद पैरेलल चला जाता है, कहाँ चला जाता है बोलो, पैरेलल चला जाएगा, कोई दिक्कत? और लेंस और काम करता है, क्या करता है कि अगर कोई पैरेलल रे आया, पैरेलल रे आया तो उसको कहाँ मिलाएगा, फोकस पर, कहाँ मिलाएगा, यानी देखो अब फोकस पर ही होगा ऑब्जेक्ट, बोलो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से लाइट आया, लेंस मोड़ दिया, यहाँ है लाइट, यहाँ आया लेंस मोड़ दिया, मोड़ के पैरेलल कर दिया, देखो लाइट आया मोड़ के पैरेलल कर दिया, इसका मतलब ये फोकस पर है, कहाँ पर है, कौन सा फोकस पे, प्राइमरी फोकस पर, किस पर है, कोई दिक्कत, यानी फोकस पर है ऑब्जेक्ट, यानी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है, कोई दिक्कत? अब फिर यह मिरर पे टकराया, मिरर फिर से इसको भेजा, पैरेलल गया, पैरेलल गया, कहाँ मिलेगा, फोकस पर, कहाँ मिलेगा, फोकस पर, तो यह डिस्टेंस तुम्हें 3 सेंटीमीटर है, यह डिस्टेंस, इसका मतलब फोकस तुम्हारा यही है ना, बोलो तुमको तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर बी नंबर, 30 सेंटीमीटर डी नंबर, 45 सेंटीमीटर सी नंबर, 45 सेंटीमीटर और डी नंबर कितना, 20 सेंटीमीटर, कौन सा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर था, मिरर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन के कारण इमेज कहां पर बन गया, फोकस पर ही बन गया, नहीं इसका मतलब फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर, कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, थैंक यू, बस आज इतना ही रहने दो, फिर आगे मिलेंगे, और ध्यान देना है आज प्रिज्म स्टार्ट होगा, यानी लाइट का तीसरा फिनोमिना स्टार्ट होगा, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन समाप्त हो गया, रिफ्रैक्शन मतलब
अपवर्तन समाप्त हो गया, अब होगा डिस्पर्सन। क्या होगा? हिंदी में कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वो क्या है, प्रिज्म से लाइट गुजरता है ना, सात रंगों में बट जाता है। पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे प्रिज्म से, उसके बाद डिस्पर्सन पढ़ेंगे। ये जैसे समाप्त होगा, यानी रे ऑप्टिक्स में यही तीन घटना पढ़ना था, एक रिफ्लेक्शन परावर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो गया, तीसरा डिस्पर्सन मतलब वर्ण विक्षेपण हो गया। ये तीन घटना रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है ना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स से ही पूछता है। अगर आपने रे ऑप्टिक्स को पढ़ लिया पूरी तरह से, वेव ऑप्टिक्स अगर नहीं भी अच्छे से पढ़िएगा तो क्वेश्चंस एग्जाम में ना के बराबर छूटेगा। नहीं, क्योंकि ऑप्शन रे ऑप्टिक्स का भी रहता है और वेव का। नहीं बनाएंगे वेव का, हम बना देंगे किसका, रे वाला का। नहीं, इसलिए इस पर पकड़ बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो निश्चित आएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव भी 5-6 तो पूछ देता है इस चैप्टर से, इसलिए इस पर पकड़ बना के रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन में आइए। ठीक है।